नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करे इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय ने हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो कितना ही असमर्थ क्यों नहीं हो, और न्याय उनके द्वार तक पहुँचे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकारों का गठन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, जिसको नालसा कहते हैं, फिर राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और सब डिवीज़न है तो वहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में और जो मुख्य अस्पताल हैं वहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकार के लीगल क्लिनिक काम करते हैं, जेल वगैरह में भी। इसके कई मकसद हैं। बहुत सारे लोग निरपराध भी जेल चले जाते हैं, बहुत सारे लोग, उनके साथ हादसा हुआ फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता है, इसलिए कि उनकी पहुँच नहीं है, उनकी पैरवी नहीं है, वो सक्षम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों तक भी न्याय पहुँचे तो न्याय पाने के बहुत सारे रास्ते, आसान रास्ते सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं विधिक सेवा प्राधिकारों के माध्यम से। इसके अलावा PLVs है सभी पंचायतों में, पैरालीगल वॉलंटियर, जिनसे आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं, मुकदमा करने के पहले, मुकदमा करने के बाद भी। इसके अलावा जो सरकारी स्कीम्स है जिसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपका हक नहीं मिल रहा है, आपका हक कोई छीन रहा है, आपको प्रॉपर जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उस संबंध में भी आप सीधे विधिक सेवा प्राधिकार की जो भी इकाई वहाँ आपके पास है या जो भी व्यक्ति है उनके माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में एक नई व्यवस्था आई है। यह नई व्यवस्था कुछ मामलों में तो मैंडेटरी की जा रही है, प्री लिटिगेशन। कानून की बात में आज हम बात करेंगे प्री लिटिगेशन, यानी मुकदमा करने के पहले भी मध्यस्थता हो सकती है। बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे PN सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि ये प्री लिटिगेशन क्या है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, प्री लिटिगेशन, लिटिगेशन से पहले। लिटिगेशन का मतलब हो गया जब आप मुकदमा दर्ज करते हैं, मुकदमे की वजह। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ और वो जजमेंट था श्रीनिवास वर्सेस DA दीपा का। उसे एक महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ और उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि इस जिसमें मैट्रिमोनियल या कॉमर्शियल या लीगल रिलेशन से जुड़ा हुआ या सिविल नेचर का केसेज अगर होता है तो उसको केस करने से पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन का अवसर दिया जाए, और उसको उस आदेश के अनुसार झारखंड में भी एक रूल बना करके प्री लिटिगेशन के लिए बहुत सारे काम किए गए। उसमें जैसा आपने कहा, जो उसके लिए एक डेस्क हो, लीगल असिस्टेंस डेस्क हो, और ये जिम्मा कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और नेशनल सर्विस अथॉरिटी को दिया गया, जो ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन का संचालन करे। मीडिएशन ये है जो आप अगर कोई आप समझ रहे हैं जो हमको मुकदमा करना है और मुकदमे से जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तथ्यों के आधार पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास आवेदन दे सकते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट के जो मेंबर सेक्रेटरी
रहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, उसके पास दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के स्तर का है तो वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी को आप दे सकते हैं, नेशनल मेंबरशिप। ये इसमें ये मध्यस्थता है, और मध्यस्थता के लिए एक अवसर है और एक सर्टेन प्रक्रिया है जिसके तहत आप बिना मुकदमा किए हुए आप अपने केस का निपटारा कर सकते हैं, अपने विवाद का निपटारा कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया है जो जैसे हम और आप दोनों के बीच में कोई विवाद और हम चाहते हैं ये मीडिएशन में जाए, तो हम अपने इस बात को एक लिखित रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज और मेंबर सेक्रेटरी जो है, मेंबर कोऑर्डिनेटर हैं जो सेक्रेटरी हैं, उनके पास हम आवेदन करेंगे। और उसी तरह स्टेट का है तो स्टेट के मेंबर सेक्रेटरी, और नेशनल में है तो नेशनल, जिस लेवल का है उसका जुरिडिक्शन जिसका है, जुरिडिक्शन महत्वपूर्ण होता है। और जब हम आवेदन देते हैं तो जब वो रिसीव करते हैं तो दूसरे पक्ष को वो मीडिएशन के डेट के लिए निर्धारित कर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो नोटिस देते हैं दूसरे पक्ष को। यह जो निर्धारण की जो तिथि और समय होगी वो 21 दिन से कम होगा, मैक्सिमम 21 दिन तक। अगर इसमें दो स्थिति है, क्योंकि मीडिएशन स्वेच्छा की बात होती है, एक तो या तो दूसरा पक्ष उस नोटिस पा करके वो उस तिथि को उपस्थित होगा और मीडिएशन के लिए चाहता है तो मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और उसके लिए जो कोऑर्डिनेटर है एक मीडिएटर को नियुक्त करेंगे, और मीडिएशन की प्रक्रिया के तहत दो तीन महीना, और अगर तीन महीना के अंतर्गत नहीं समाप्त होता है तो एक महीना और बढ़ा करके किया जाता है। और इसमें बातचीत होती है दोनों पक्ष में, मीडिएटर बीच में मीडिएट करते हैं, और अगर बात सुलह से हो जाती है तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना दिया जाता है, और एग्रीमेंट की कॉपी दोनों पक्ष को दी जाती है, और उस एग्रीमेंट को सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या मेंबर सेक्रेटरी जो जहां भी देना होता है वो उसकी कॉपी को भेजते हैं, और फिर उसे संबंधित लोक अदालत में पुटअप करने के लिए उसे भेजा जाता है। ये तो हुआ जब तैयार होते हैं, अगर नहीं तैयार होते, दूसरा पक्ष नहीं आते हैं, तो एक नोटिस दिया जाता है, फिर एक दूसरा नोटिस उनको दिया जाता है, उस पर भी नहीं आते हैं या वो रिफ्यूज करते हैं तो ये माना जाता है ये मीडिएशन ये मीडिएशन नहीं हो पाया। ये मोटा मोटी बहुत से सिंपल प्रक्रिया। मीडिएशन में जो नया प्रावधान हुआ है बिहार में, दो साल पहले जो आया है, उस प्रावधान के तहत किन मामलों में मैंडेटरी है कि मीडिएशन में आपको जाना ही पड़ेगा? देखिए, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में सुधार हुआ, ये कॉमर्शियल मामले का है, उसमें मैंडेटरी है कि आप अगर कोई कॉमर्शियल कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, अदरवाइज वो कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, एवरी पर्सन हैज़ टू गो टू मीडिएशन फर्स्ट। पहला तो ये है। दूसरा, जो ये प्री लिटिगेशन या लिटिगेशन के मामले जो आते हैं वो आप देखिए, लीगल रिलेशनशिप का मामला हो, मैट्रिमोनियल मामला हो, सिविल नेचर का मामला हो, या कंट्रैक्ट का मामला हो, कॉमर्शियल मामला हो, या सरकार या कोर्ट द्वारा कुछ तरह प्रकृति के तरह के केसेस को रेफर करते हैं जो ये केस को मीडिएशन के लायक है, उनका मीडिएशन होता है। हाँ, जो सामाजिक स्थिति बन गई है, ताना बाना बन गया है, उसमें ज़मीन के बहुत सारे मामले हो रहे हैं, इसलिए कि बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन का चला आ रहा है, जिसको जहाँ मन करता है बेच देता है, दूसरे का हक मार लेता है, वो स्थिति में वो मस्ट है क्या? नहीं, ज़मीन की स्थिति में मस्त नहीं है, लेकिन प्री लिटिगेशन में अगर जाए पार्टी
जैसे आप मीडिएशन में है तो बहुत सारे इस तरह के केसेज आते होंगे कि हम चाहते हैं कि लीगल बंटवारा हो जाए, तो उसको पहले वहाँ जाना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा? नहीं, वो आप मीडिएशन के लिए, अगर वो तो कोई भी पक्ष स्वतंत्र है जो मीडिएशन के लायक जैसे केसेज हैं, जो सिविल नेचर के केसेज हैं, जमीन जाल से जुड़े हुए केसेज सिविल नेचर के हैं और मीडिएशन के लायक हैं, तो वो आ सकते हैं। उनको बहुत सारे मामले हैं जो ये मीडिएशन के लिए फिट केस है, उसमें आना ही चाहिए। जो आपस में मिल बैठ करके लोग बांटते थे अपने बंटवारा के, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क में होता है जिसकी लीगल सैंक्टिटी होती है। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि विद इन टाइम फ्रेम होता है, दूसरा ये होता है कि आपको खर्च कोई नहीं देना पड़ता है। क्या इसमें भी खर्च लगता है? खर्च नहीं रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी तरह का खर्च नहीं लगता है। प्री लिटिगेशन में तो एकदम ही नहीं लगता, कुछ ही में भी नहीं लगता। कुछ मामले जिसमें कि दूसरा पार्टी नहीं तैयार हो रहा है लिटिगेशन, प्री लिटिगेशन में आने के लिए, तब आगे प्रोसेस क्या चलेगा? जो आपने बताया कि 3 महीने तक कोशिश की जाएगी, उसको बुलाने की नोटिस जाएगा, अगर वो नहीं आता है तो देखिए, मीडिएशन जो है स्वेच्छा पर आधारित है, और इसीलिए ये बड़ा मजबूत है। अगर स्वेच्छा से दो पक्ष अपने विवाद को हल करना चाहते हैं एक थर्ड पक्ष मीडिएटर के माध्यम से, तो वो मजबूत कड़ी होती है और उसका निदान एक बार हो जाता है तो सदा के लिए हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अगर इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं तो हो सकता है नहीं आते हैं। एक बार नहीं आएंगे, दूसरा बार आने की जब उनको जानकारी मिलती है तो वो आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात लीगल बात नहीं है। और आप इसमें अगर फेल भी कर जाता है तो भी आप कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालतें आमतौर पर सिविल नेचर के मामलों में प्री लिटिगेशन में भेज सकते संज्ञान लेने के पहले? क्या केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने में संज्ञान लेने को इंडिजेंस के पहले भी प्री लिटिगेशन में कुछ मामले जा सकते हैं क्या? अभी तक जो परिपाटी है कि प्री लिटिगेशन में लोग स्वयं जाते हैं, अभी तक का यही है। कोर्ट से रेफर्ड केस आता है, अनलेस एनल्टी कोर्ट में जब कोई केस जाता है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा कोर्ट है, हो गया मतलब दब एलिमेंट ऑफ मीडिएशन एग्जिस्ट कर रहा है या कोर्ट डिसाइड करता है, और कोर्ट फिर परसू करता है पार्टी को, आप मीडिएशन में जाइए और खुद भेज सकते। कोर्ट दोनों पक्ष के राजी होने पर ही भेजता है, या वहाँ है कि कोर्ट जो चाहे एक पक्ष भी अगर तैयार हो रहा है, या कोर्ट को लगता है किस नेचर का है तो भेज दे? कोर्ट ये फील करता है जो इसमें मीडिएशन के एलिमेंट उपस्थित हैं तो वो कोर्ट भेज सकता है। प्री लिटिगेशन के फायदे क्या हैं? प्री लिटिगेशन का फायदा है जो समय बचता है, पैसा बचता है, रिलेशन बच जाता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्री लिटिगेशन में आप जब जाते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट या आपके जो आपसे जुड़े हुए जो अन्य चीज़ें हैं उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। अगर आप कोर्ट में केस करके जाते हैं, केस में आप सबूत को सब कोर्ट में देना पड़ता है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन अगर आप प्री लिटिगेशन में जाते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। रिश्ते बच जाते हैं इसमें, रिश्ते बच जाते हैं, समय बच जाता है, पैसा बच जाता है, और डिस्पोजल जो है विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्री लिटिगेशन में जो अवार्ड बनता है उसकी वैलिडिटी क्या है? आर्बिट्रेशन आमतौर पर ये होता है ना कि लोग कहेंगे ठीक है पंचायती हुआ ना भाई, हम नहीं मानते हैं। बहुत सारे केसेस में लोग पंचायती कराते हैं गाँव में, गाँव में पंचायती करने कागज आपको भी लेकर के आता होगा कि भाई हम पंचायती करा रहे, देखिए उसमें ये फैसला हुआ, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, उसको भी नहीं कर रहा है। तो ये जो फैसला है प्री लिटिगेशन में, उसकी मैंडेटरी प्री लिटिगेशन के फैसले को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अनुसार, 30 के अनुसार उस पर अवार्ड बनता है, और वो थ्रू लोक अदालत बनता है, और वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में होता है।
माने वो डॉक्यूमेंट चैलेंजेबल है क्या, फिर कोर्ट में उसको उसके खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं, कोर्ट के खिलाफ ये तो दोनों सहमति से होती है, इसीलिए उसमें कोर्ट सहमति तो निकलते ही बिगड़ जाती है ना, बात बात में बिगड़ जाती है। अच्छा ठीक है, आप किए थे ना, चलिए हम नहीं मानेंगे, क्या कर लीजिएगा? नहीं, एक बार कोर्ट के फैसले को मनवाने के लिए कोर्ट के पास बहुत सारे राइट्स हैं, कोर्ट उसका उपयोग करती है। जब जब कोई डिग्री का फॉर्म हो जाता है तो अगर वो चैलेंज भी होता है तो वो जो सीपीसी की प्रक्रिया के तहत कोर्ट कंसीडर करेगी, कंसीडर करेगी। कौन सा कंसीडर करेगी जो कोई इसमें है, और इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, चूंकि आपस में मिलजुल करके निर्णय होता है, एग्रीड रहते हैं। अच्छा, इसमें ये एक और फायदा है क्या कि एडवोकेट्स की जरूरत है, एडवोकेट की फीस देना? हाँ, एक एडवोकेट की नहीं जरूरत है, इसीलिए पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। और अपनी मन की बात, अपनी बात, और दोनों पक्ष जो हो सकता है, दोनों पक्ष अपनी सुविधा अनुसार एक दूसरे को राजी कर लेते हैं, तो उस सुविधा के अनुसार अपने विवाद को, प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। सुविधा के अनुसार डेट भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि मैंडेटरी है कि कोर्ट ने आदेश किया कि आप इस डेट पे पहुंचना है, कहीं भी रहिए आपको पहुंचना ही होगा, वो सब नहीं है। आप मीडिएटर के साथ बात कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमको ये डेट सूट नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है, दोनों मिलकर के तय कर लेते हैं, या इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखिए हम इस डेट को नहीं है, क्या ऐसी व्यवस्था है? हाँ, खूब व्यवस्था है ये तो। मीडिएशन तो सुविधा की ही बात है, विवाद हल करना ये मुख्य है, और दोनों पक्षों को मध्यस्थ के द्वारा दोनों पक्षों को अवेयर किया जाता है, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, मानवीय रूप से भी, और अपने पारिवारिक संबंध से भी। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, और मीडिएशन में कुछ हानि नहीं है। कोर्ट में एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा, वो वहाँ का सिद्धांत होगा, पैसा दोनों को खर्च करना, दोनों को खर्च करना पड़ेगा, दोनों को समय मीडिएशन में दोनों विन करता है, ये बहुत बड़ी चीज, विन विन सिचुएशन है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझें इस तरह से, जैसे कि अभी ग्राम न्यायालय का गठन हुआ, ग्राम न्यायालय होगा, उसमें मजिस्ट्रेट बैठाए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो अभी भी है सरपंच की व्यवस्था है, जहाँ कि उनका न्यायालय है वहाँ काम होता है। बिहार में भी पहले हुआ करता था, जो संयुक्त बिहार था उस समय भी हुआ करता था, नया जो पंचायती एक्ट बना उसमें सरपंच गायब हो गया, अब सिर्फ मुखिया होता है। तो वहाँ पर जो फैसले होते हैं और यहाँ पर जो फैसले होते हैं, वहाँ भी प्रीलिटिगेशन ही होता है, जो मामला रहता है प्रीलिटिगेशन में ही जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा तो लिटिगेशन में जाएगा, ग्राम न्यायालय के मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जाएगा तो लिटिगेशन में जाएगा। अब वहाँ से वो तय करेंगे इसका क्या करना है, कैसे करना है, और उस स्तर पर मध्यस्थता करना, उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, मध्यस्थता तो हमारी संस्कृति में पहले से चली आ रही है, जब से मानवीय सभ्यता डेवलप हुआ है मध्यस्थता रही है। उसका लीगल जिसकी सब कोई बात मानता हो और कोई भी व्यक्ति हर बात के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहता है, जबकि हर व्यक्ति को अधिकार है जो वो अपना कानूनी हक प्राप्त कर सकता है। अगर मध्यस्थता के माध्यम से होता है उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमको लगता है जो आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों में ये बढ़ रही है, केस चेतना बढ़ रही है, लोग अब मध्यस्थता प्रक्रिया का को अपना कर अपने विवाद को सुलटाने की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। केस करने के बाद भी देखते हैं वो लोग चाहते हैं जब मध्यस्थता से निपट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केस की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, खर्चीला है और विवादपूर्ण। और कितने साल में सुलझेगा इसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। अब पता नहीं नया जो कानून बना है उसके तहत शायद सीमा हो और सीमा में वो कुछ हो सके, लेकिन अभी भी लिटिगेटेड तो कई करोड़ केसेस हैं। हाँ, कई करोड़ केसेस हैं, और उसका निदान जो है ये जो न्यायालय पर दबाव पड़ रहा है इस छोटे मोटे केसेस को लेकर के, रिश्ते को लेकर, ये लीगल हायर्स को लेकर के, सिविल नेचर के छोटे मोटे केसेस जो होते हैं उसको लेकर के, जो केसेस हो रहे हैं
उसका निदान विलम्ब से होता है, बहुत विलम्ब लगता है, खर्चा होता है, और वो भी मनमाफिक नहीं हो पाता है दोनों पक्षों को। लेकिन अगर मीडिएशन में बैठें, इसका थोड़ा प्रचार प्रसार हो, लोग उसके फायदे को समझेंगे, ये समझ रहे हैं, तो मीडिएशन एक सक्सेसफुल एडीआर के रूप में बढ़ रहा है। प्री लीगल मीडिएशन के बारे में पब्लिक को पता होना चाहिए, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, आकाशवाणी भी यही कोशिश कर रही है और सारे माध्यम, फिर भी पब्लिक को पता नहीं हो पा रहा है, या पब्लिक पता होते हुए भी उसमें मूव नहीं करना चाहती है। देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और लोग व्यस्त रहते हैं मोबाइल पर बहुत सारे, आजकल तो पूरा चुनाव मोबाइल के मास मीडिया और कम्युनिकेशन पर लड़ा जा रहा है। अब जो मीडिएशन के बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता है, चेतना की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, और सबको मिल करके, ग्राम पंचायत की संस्था हो या नगर निगम हो या MLA MP हो या सरकारी अधिकारी हो, इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इस बात को प्रचारित करना चाहिए। जो सुखी जीवन के लिए मिलजुल करके जीना सबसे आसान तरीका है, विवादें तो होंगी, असहमति बनेगी, असहमति बढ़ेगी और डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन इस डिस्प्यूट का निदान हम लोग मिल बैठ करके करें, मध्यस्थता के माध्यम से करें, तो एक मानव जीवन एक सफलता की ओर बढ़ेगा और शांति व्यवस्था समाज में बनी रह सकती है। इस बात का अनुभव और इस बात का की जानकारी अवश्य आम लोगों में मिलना चाहिए। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनकी पहुंच सीधे गांव तक है और वो ज़्यादा कंपेन कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं, या स्कूल कॉलेज हैं जहाँ से कि चीज़ें जा सकती हैं, कम्युनिकेट हो सकती हैं, उनको इस्तेमाल अगर किया जाए इस मामले में मध्यस्थता और लिटिगेशन के बारे में कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो हमको लगता है थोड़ी बात बढ़ेगी क्या? ज़रूर ज़रूर, ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था का सबसे अंतिम यूनिट है और लोग जुड़े हुए हैं। शहर के लेवल में भी वार्ड हैं, वार्ड कमिश्नर्स हैं, सब अगर चुने हुए प्रतिनिधि का सक्रिय सहयोग हो, प्रशासन शासन के लोगों को मध्यस्थता के बारे में, उसके फायदे के बारे में जानकारी हो और वो अवेयर करना चाहे, तो एक अभियान के तरह रूप में चलाया जा सकता है। छोटी मोटे जितने तरह के केसेज होते हैं उसके निपटाने के लिए चलें एक बार मध्यस्थता की ओर, ऐसा एक नारा दिया जा सकता है, एक मुहिम चलाया जा सकता है, ये चलाने की जो, और ये वक्त है, नहीं तो करीब चार करोड़ केसेस विभिन्न न्यायालयों में देश में पेंडिंग है। अब आप देखिए जो कब इसका निदान होगा, कब गवाही होगा, कब साक्ष्य दिया जाएगा और कब इसका निर्णय होगा, तो इसमें समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, संबंध भी बचेगा, और जो शांति व्यवस्था तभी निर्भर हो सकती है जब आपस में मेल जो हो। अगर शांति व्यवस्था नहीं है तो एक अपराध से, एक घटना से, असंतोष से दूसरा असंतोष बढ़ते जाता है और वो लॉ एंड ऑर्डर का रूप ले लेता है, खास करके ज़मीन के मामले में देखेंगे जो उसमें हत्याएं होती हैं। अगर पहले उसका निदान मध्यस्थता के माध्यम से किया जाए तो संभव है जो शांति। जैसे पंचायती राज संस्थाओं की जो ट्रेनिंग होती है, जिस समय उसके जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में कंपोनेंट डाला जाए, टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें इस तरह कंपोनेंट डाले जाएँ, चूँकि वो स्कूल में पढ़ाते हैं गाँव के स्कूल में, तो उनके दिमाग में ये रहेगा तो वहाँ बात बता सकते। ज़रूर, दरोगा जी के दिमाग में डाल जाए, चौकीदार साहब के दिमाग में डाला जाए, अगर ये चीज़ें हों कि इस लेवल पर चीज़ों को कंपेन किया जाए कि प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन ये हो भी गया तब भी मीडिएशन में जाकर चीज़ों को सुलझाया, तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेजी? जरूर जरूर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, बल्कि मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तरह
कुछ पंचायत को, कुछ ब्लॉक को, कुछ थाना को ये चुन लिया जाए और उसमें जो आते हैं इस तरह के केसेस उसके लिए वहाँ मीडिएटर को रखा जाए और उनको दिया जाए जो ये इस बात वहीं वहीं मीडिएशन किया जाए। हमको लगता है जो एक झारखंड जैसे प्रदेश के लिए एक नया शुरुआत हो सकता है। अब जैसे ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब बैठ रहे हैं, वाली जरूरत पड़ेगी मध्यस्थता की, वहाँ से मैसेज जा सकता है। हमको लगता है कि इस तरह ट्रेनिंग में अगर कंपोनेंट डाला जाए तो उस तरह से बात बनेगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार, नमस्कार।